दादी नानी की कहानी। जब एक दाल के दाने के लिए चिड़िया ने राजा को झुकाया और राजा ने बढ़ई को फटकारा। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आपका अपने चैनल सतवीर सिंह ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। दोस्तों, कहानी बताती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में दादी या नानी से एक से बढ़कर एक कहानियां सुनी है, कभी राजा रानी की, कभी किसी चोर सिपाही की। ये सभी कहानियां हमें हमेशा जीवन का कुछ सीख भी देती हैं। जो कहानियां हमने और आपने बचपन में सुनी है, यह हमेशा के लिए हमारे बचपन के दिनों को याद दिलाती हैं। आज मैंने भी सोचा है, क्यों नहीं मैं भी आपके लिए दादी नानी की कहानियां लेकर आऊं। तो फिर देर किस बात की, पेश है आपके लिए दादी नानी की कहानी। अंबिकापुर की दादी सरोज पांडे ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दादी सरोज पांडे ने कहानी सुनाते हुए कहा कि एक चिड़िया थी जो रोजाना दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूसरे जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे गोबर का ढेर पर उसने एक चने का दाल देखा, जिसे लेकर वह चक्की में धरने के लिए गई। दाल धरते धरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इस दौरान चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उस बढ़ई ने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे मिन्नत करते हुए कहा कि बढ़ई बढ़ई, खूंटा चीर दो, खूंटा में मेरी दाल का दाना है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लेकर परदेश जाऊं। बढ़ई ने उस चिड़िया की एक नहीं सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। चिड़िया ने कहा, राजा राजा, बढ़ई को दंड दो, वो ना खूंटा चीरता है न मेरी बात सुनता है। राजा के पास कहां इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक ने सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप ने अपनी विनती दोहराई। उसे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती है, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तभी भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती है, उसने भी इनकार कर दिया। तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़मुझे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वह बांस के पेड़ है जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती, कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही
तो गोरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गोरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गोरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं, वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की विशाल सागर भला गोरैया की इस गुहार को क्यों सुनता, वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गोरैया उसके किनारे आकर सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई, गोरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उसने अनुने की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है, बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता, जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी भी गोरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ, उसने भी उनका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। तभी चिड़िया को चेटी मिली और चेटी ने चिड़िया की बात सुनी और कहा मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। इसके बाद दादी ने आगे कहानी सुनाते हुए बताया कि चींटी हाथी के पास गई और कहा तुम समंदर को सोख लो वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी। अब समंदर ने कहा नहीं नहीं रुको, मैं आग को बुझा देता हूँ, मुझे सोखो मत। इस बात से डर कर आग ने कहा मैं पूरे जंगल को जला देता हूँ, मुझे बुझाना मत। डर कर जंगल में रहने वाले बांस ने भी कहा मैं लाठी बनकर सांप को मारूंगा, मुझे जलाना मत। डर कर सांप ने कहा मैं रानी को डस देता हूँ, मुझे मारना मत। डर कर रानी ने कहा मुझे डसना मत, मैं राजा को छोड़ देती हूँ। घबरा कर राजा ने कहा मुझे छोड़ना मत, मैं बढ़ई को डांट देता हूँ। डर कर बढ़ई फिर जाता है और खूटा को चीर देता है जिससे चिड़िया की डाल उसे मिल जाती है। दोस्तों कहानी की सीख, इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी, आपकी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों तक शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।